हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू मेहंदीरत्ता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार. वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड. बच्चों, आप सभी का इस मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 6 में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बच्चों, मैथमेटिक्स जो आपको बहुत बड़ा बर्डन लगता था कि अब हम क्लास 6 में आ गए हैं, ना जाने मैथमेटिक्स में अब क्या होगा, तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अब आप इजीली घर में बैठ के पढ़ रहे हैं. टीवी के आगे आप बैठकर अपनी नोटबुक में ये सब नोट डाउन भी कर रहे हैं. तो बच्चों बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने पेंडेमिक टाइम में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो बच्चों, जैसे प्रीवियस सेशंस में भी, क्लासरूम में भी, और अब जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, तो आप क्या करते हैं बच्चों, अपने घर में भी अपनी पढ़ाई करने से पहले 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर भी रहे होंगे. कौन सी एक्सरसाइज? हमारी आनंदम की. तो जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो, एंजाइटी फ्री हो जाते हो, कंसंट्रेट करते हो. तो बच्चों, मेरे साथ सहज रूप से जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, अपनी कमर सीधी कीजिए, अपनी नोटबुक साइड में रख लीजिए, पेन आपका साइड में हो, और रिलैक्स आराम से बैठ जाइए. और आपकी कमर सीधी और आंखें बंद. आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दीजिए. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. इन आउट. इन आउट. इन आउट. सांसों पर ध्यान दीजिए. अब धीरे धीरे आंखें खोलिए. रिलैक्स. अच्छा लगा बच्चों? यस. आपके साथ साथ हम भी स्ट्रेस लेस हो जाते हैं, हमें भी पढ़ाने का मन करता है, हमें भी लगता है कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से याद हो रहा है और आपका अब पढ़ने में मन भी लगने लगा है. तो बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस भी किया और उसको हमने आपके सामने कर भी लिया, जो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा. तो बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. बच्चों, क्वेश्चन वही है, उसमें भी क्या है, त्रिभुज के प्रकार है. जैसे हमने इससे प्रीवियस सेशन में क्या किया कि हमने आपको समझाया कि त्रिभुज हमारे बच्चों दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं. एक तो भुजाओं के आधार पर. भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे ये एक मेरे पास सपोज एक ट्रायंगल है, मेरे पास यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स भी है. ये बच्चों जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो बच्चों ये जो साइड की हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं भुजाएं. और इनके बीच यहाँ ये को बनने वाले ये कोण कहलाते हैं इसके कोण. तो बच्चों, त्रिभुज हमने क्या बताया था कि दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं और दोनों ही टाइप से, तीन तीन टाइप से इनके नामकरण किए जाते हैं. तो बच्चों, पहला तो है हमारा भुजाओं के आधार पर. भुजाएं क्या बताई? ये इनकी साइड्स, इंग्लिश में इन्हें साइड्स बोलते हैं. तो बच्चों, भुजाओं के आधार पर सबसे पहला है विषम बाहु. विषम मीन्स जो सम नहीं है. अब सम क्या है बच्चों? सम मीन्स इक्वल. तो जो इक्वल नहीं है, यानी अलग अलग, अगर ये हमारी
4 सेंटीमीटर है ये हमारी, 5 सेंटीमीटर है ये हमारी, 6 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, मीन्स तीनों भुजाएं अलग अलग है। दूसरा आता है हमारा सम द्विबाहु, सम मीन्स बराबर, समान, समान से हमारा सम वर्ड बना है। द्वि मीन्स दो और बाहु मीन्स भुजाएं। अगर हम इसी की बात करें, ये देखिए बच्चों, सम द्विबाहु में माना ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा नीचे का 6 सेंटीमीटर है, सपोज करो आप। तो ये जब हमारी दो भुजाएं 4 4 सेंटीमीटर की हो गई, तो बच्चों क्या हुआ, दो, दो का मीन्स द्वि, हमारी गणित की भाषा में हम दो को द्वि बोलेंगे। कहीं कहीं लोकल भाषा में भी बच्चों द्वि बोलते हैं ना, है ना, द्वि, तो यही आपका गणित की भाषा में भी ये द्वि है। तो ये द्वि यानी दो भुजाएं, बाहु मीन्स भुजाएं, दो भुजाएं क्या है, बराबर। तो सम द्वि बाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। जिस जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम सम द्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है बच्चों सम बाहु, क्योंकि ये हमारी सम बाहु नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं दिखा के आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसमें बच्चों ये देखिए, ये भी अगर सपोज कीजिए ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 है, ये हमारी क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु में क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। तो समबाहु त्रिभुज हमारा हुआ तीनों की तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम समबाहु बोलते हैं। फिर से देखिए विषम बाहु को बच्चों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं, इनको हम इंग्लिश में स्क्लीन ट्राई एंगल भी बोलते हैं। दूसरा हमने सम द्विबाहु ये बताया, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, सम द्विबाहु दो भुजाएं बराबर, इसको हम आइसोसेलेस ट्राई एंगल भी बोलते हैं। तीसरा आया हमारा समबाहु, यहाँ देखिए बच्चों समबाहु, इसको इंग्लिश में इक्विलेटरल भी बोलते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल, आप पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं इक्वल टू या इक्वल, ये किस लिए बोलते हैं, बराबर। तो इक्वल मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु, समबाहु को कहेंगे। सम मीन्स समान, तो समान बाहु जिसकी भुजाएं समान होंगी, इन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो क्लियर हो गया आपको कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के हमारे हमने त्रिभुज बताए, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ये क्लियर हो गया आपको। अब बच्चों दूसरा टाइप क्या है, आपको अगर आपने प्रीवियस सेशन आपने देखा है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे त्रिभुज दूसरे हमारे होते हैं कोणों के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो भुजाएं हैं बच्चों, और ये इनके बीच बनने वाले ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोण। अब कोणों के आधार पर भी बच्चों हमारे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, अगेन तीन, जैसे भुजाओं के आधार पर भी तीन और कोणों के आधार पर भी तीन। तो पहला हमारा कौन सा है बच्चों, न्यून कोण। न्यून कोण क्या समझे थे आप, जो 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों, कम। अब 90 डिग्री से कम, ये देखिए बच्चों, सपोज ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी माना 45 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर, इसको बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट मीन्स न्यून, यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा बहुत सिंपल है समकोण त्रिभुज, ये देखिए बच्चों, ये इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं, क्या है इसमें विशेषता जिसलिए इसको हम समकोण बोल रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल त्रिभुज भी बोलते हैं। तो क्या लग रहा है बच्चों, इसमें क्या है,
इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आपको मालूम है ना, समकोण जो हमने पहले कोण बताए थे समकोण, तो समकोण में क्या बताया था कि 90 डिग्री होता है। तो जब नाम ही इसका समकोण त्रिभुज है, तो नेचुरली बच्चों एक एंगल तो इसका समकोण होना ही चाहिए ना, एक तो इसका 90 डिग्री होगा ही, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब है तीसरा हमारा अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल। इसका कोई कोण बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ हमारे पास जैसे बच्चों ये है, अगर हम देखेंगे ये वाला, तो इसको हम देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री से जब एक कोई ज्यादा होगा, इसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे कितने टाइप के त्रिभुज हुए बच्चों, 6, 3 हमारे भुजाओं के आधार पर और 3 हमारे कोणों के आधार पर। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। जब अब हम ये प्रश्नावली 5.6 का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने फर्स्ट नहीं किया है और ये सेशन आपने देखा है, तो आप फर्स्ट भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है कि हमारे त्रिभुज भुजाओं के आधार में भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इस 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। तो बच्चों अभी आपने समझा त्रिभुज हमारे 6 प्रकार के हैं, 3 हमारे भुजाओं के आधार पे कैटेगराइज किए गए और 3 हमारे कोणों के आधार पे। तो 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है, निम्न का सुमेलन कीजिए। सुमेलन क्या होता है बच्चों? मैच। आप इसको कैसे, आप किससे मैच कर पाएंगे? सबसे पहले आप पढ़ेंगे समान लंबाई की 3 भुजाएं। बच्चों जैसे सपोज मेरे पास ये है, अगर ये तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, पहले आप देखिए भुजाओं की बात हो रही है, तो पहले के हमने 3 कौन सी कैटेगरी बताई थी, आपने उन पे ध्यान देना है। तो 3 हमने भुजाओं के आधार पर बताए और समान लंबाई, पहले तो आप इसको समझो, समान लंबाई यानी सम बाहु है ना। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पर ढूंढिए, विषम बाहु तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो गई, समान। समान को हमने इसमें गणित की भाषा में हमने क्या बोला, सम है ना, और विषम क्या होता है, जो समान का अपोजिट है। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं ये हो नहीं सकता। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है बच्चों, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, कोण समकोण होना चाहिए। ये भी नहीं, इसको भी अपने से हटा दीजिए। अब है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें अधिक कोण में क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी एक जो उसका त्रिभुज का एक भुज एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास आया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा बताई, कि एक उसका कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हम इसको भी आउट करते हैं। अब आया समबाहु त्रिभुज, इसको क्लियर करते हैं। समबाहु क्या होता है बच्चों, सम मीन्स इक्वल, बराबर। जब समबाहु, चलो यहां बना के देख लेते हैं बच्चों, इसको दिख रहा है आपको, ये देखिए ये है समबाहु। सपोज ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, नाम कर देते हैं इसका ए बी सी। बच्चों क्या ये मैच हो रहा है इसे, समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की मीन्स एक 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर, तीसरा भी 2। सपोज इसको ले लें हम, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये समान लंबाई की तीनों भुजाएं, इसको हम इससे मैच कर सकते हैं? ये इसका है बच्चों समबाहु त्रिभुज, ये इसका आंसर हमारा मैच होगा। ये क्यों होगा बच्चों, समान लंबाई की तीनों भुजाएं यानी समबाहु त्रिभुज, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको मैं यहां बना देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये ऊपर वाले का आंसर तो नहीं है।
ये है बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर, ए बी और सी, ये देखिए। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि समबाहु त्रिभुज हमारा, जिसकी समान लंबाई की 3 भुजाएं होंगी, वो हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। अब हमारे पास दूसरा है क्वेश्चन, समान लंबाई की 2 भुजाएं। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, समान को क्या बोलते हैं, सम लंबाई को भुजाएं। अब ढूंढिए इसमें कौन सा होगा बच्चों। यहां तक हमने देख लिया था विषम बाहु हो नहीं सकता, समद्विबाहु नहीं हो सकता, समद्विबाहु में समकोण भी है, अधिक कोण हो नहीं सकता, समकोण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक कोण समकोण होना चाहिए। तो समान लंबाई की 2 भुजाएं, ये होगा बच्चों हमारा, इसका मैच होगा हमारा क्या, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों होगा बच्चों, ये आपको मैं समझा देती हूँ। समद्विबाहु, सपोज इसमें ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। क्या हुआ बच्चों इसमें, इसमें हुआ समद्विबाहु, यानी 2 भुजाएं हमारी क्या है, बराबर इक्वल है। ये देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ है ये समद्विबाहु, ये है बच्चों, इसमें 2 भुजाएं क्या है, बराबर है, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। तो ये मैच होगा, समान लंबाई की 2 भुजाएं हमारा मैच होगा समद्विबाहु। क्लियर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं। पहले तो इस अलग अलग वर्ड को पढ़ो, जैसे आपने समान को क्या बोल दिया था, इसको बोल दिया था आपने सम, भुजाओं को आपने बोल दिया था बाहु, बोल दिया था ना। अब इस अलग अलग को क्या बोलोगे, जब आप समान को सम बोलोगे तो अलग अलग को क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे आप विषम। वह हो गया, ये वह है, ये है विषम। अब आपने समझ लिया, ये तो विषम है, लंबाई की सभी भुजाएं, भुजाओं को क्या बोला बच्चों आपने, बाहु। अब बताओ हो गया क्लियर, बिल्कुल इजी। ये विषम हो गया, ये बाहु हो गया, लंबाई को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लंबाई तो है ही। अब इसमें ढूंढो आपका विषम बाहु कौन सा होगा, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, ये है। ठीक है बच्चों, अब है 3 न्यून कोण, 3 न्यून कोण वाला हमारा कौन सा होगा बच्चों। मैंने आपको छोटा सा एक ये न्यून कोण बताया था, जिसमें क्या है बच्चों, इसके न्यून कोण की क्या परिभाषा बताई थी, जिसमें जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। और न्यून कोण आपको मालूम है क्या होते हैं, वो समकोण 90 डिग्री से कम। अब इसका मैच तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, कौन सा, ये 3 न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। अब एक अधिक कोण ढूंढिए बच्चों, आपने ये तो कर चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता, आपने ये भी आंसर में दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, आपने ये भी आंसर में दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपने आंसर में दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे बच्चों आपके पास एक ये, एक ये, एक ये, 3 बचे हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा है बच्चों, अभी है एक समकोण, एक समकोण, ये तो नाम से ही दिख रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज, ये भी अब आपका हो गया। इसको यहां बना के दिखा देती हूँ बच्चों, इसमें एक कोण समकोण होना चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज, ये मैंने आपको इसमें बना के भी दिखा रखा है, ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा मैच हो गया। अब बच्चों हमारा है क्या बचा, एक अधिक कोण, अधिक कोण तो बच्चों नाम से ही दिख रहा है, ये रहा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या है,
इसमें एक कोण अधिक कोण होता है, उसका एक पूरे जो त्रिभुज होगा उसका एक कोण अधिक कोण होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये तो हमने मैच इजीली कर लिया। अब हमारा लास्ट बचा है दो बराबर लंबाई भुजाओं के साथ एक समकोण। ये देखिए बच्चों, वैसे तो बचे अभी हमारे पास यही बचा है, पर फिर भी आपको क्लियर कर दूं कि पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। दो बराबर लंबाई भुजाएं, दो बराबर, बराबर को क्या बोला मैंने, सम। ठीक है, अब इसको और क्लियर करो। दो बराबर लंबाई की भुजाएं, भुजाओं को क्या बोला, बाहु। और यहां पर क्या लिखा है, दो। तो दो बराबर को हम बोलेंगे सम। बच्चों बाहु से पहले द्वि आएगा, द्वि क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर दो है, दो को क्या बोलते हैं, द्वि बाहु के साथ एक समकोण। अब हमने देखना है बच्चों, एक तो क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं। सपोज ये है, इसकी क्या है बच्चों, दो तो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण इसका 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर, क्योंकि आपको ऐसे देखना है बच्चों क्वेश्चन को। जब भी आपको टफ लगने लगे तो सबसे पहले उसको देखो, दो को आपने यहाँ द्वि पे आ गया, फिर आपने भुजाएं देखी, भुजाओं को आपने बाहु लिख दिया, और ये हो गया सम, बराबर था वर्ड तो बराबर को आपने सम लिख दिया, ये तो बन गया आपका समद्विबाहु। अब उसके साथ क्या है, एक समकोण भी है, तो समद्विबाहु समकोण ये हमारा है, ये हमारा इसके साथ मैच हुआ। समान लंबाई की दो भुजाएं, हमारा इससे मैच हो गया। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों फिर से। देखिए, समान लंबाई की तीन भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हमने कहा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। समान लंबाई की दो भुजाएं, सम द्विबाहु, समान भुजाएं दो। फिर है अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, ये हमने लिया विषम बाहु समकोण त्रिभुज। फिर हमारा आया तीन न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज इसका मैच होगा। फिर एक समकोण, समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, दो बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण, ये हमारा कौन सा हुआ बच्चों, ये हमारा समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण कौन सा है, ये वाला, ये। तो ये अब आपको क्लियर हो गए बच्चों। अभी इस प्रश्नावली को और भी आप क्लियर करेंगे, पहले क्या करेंगे बच्चों, आप आज घर में आपने त्रिभुज की जो मैंने आपको 6 प्रकार बताए हैं, इन 6 प्रकार को पहले तो आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, तीनों प्रकार लिखेंगे, फिर कोणों के आधार पर 3 प्रकार के हैं, फिर आप तीनों लिखेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों, आप प्रश्नावली 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों जैसे हमने यहाँ लिखते गए हैं, ऐसे ही आप कॉपी में सब इसी तरीके से आप त्रिभुज भी बनाएंगे। जैसे समकोण है तो उसमें आप एक 90 डिग्री का बनाएंगे, समद्विबाहु है तो उसकी दोनों भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से आप करेंगे तो बच्चों आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अभी ये सेशन आगे हमने करना है प्रश्नावली। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डू केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू बच्चों।